नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RPG's रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक ब्रेड। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगता है। सिंपल मैंने ब्रेड लिया, ये बटर लिया, काली मिर्च क्रश वाले लिए हैं मैंने, और ये अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। तो अभी बनाते हैं हम सबसे पहले पेस्ट बनाएंगे हम। ये बटर में अदरक लहसुन अच्छे से मिलाएंगे, पूरा एक कर लेंगे सभी मिला के अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है दोस्तों। देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे पूरा, और उसके बाद में हमने इसको ब्रेड पे लगाना है। ब्रेड हमने सिंपल ली है, आप आटे वाली भी ब्रेड ले सकते हैं, मैंने ये मैदे वाली ब्रेड ली है सिंपल। इस तरह से लगा रही हूँ मैं, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। आप चाय के संग भी ले सकते हैं या किसी सूप के संग भी ले सकते हैं, बहुत ही सही लगता है एकदम। देखिए इस तरह से मैंने पूरा अच्छे से लगाना है, पूरा मिक्स करना है। हाँ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लगाया है मैंने, अभी दूसरा भी लगाते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये देखिए मैंने इस तरह से पूरे लगा के रखे हैं, और अब इसमें काली मिर्च की पाउडर डालेंगे अच्छे से। देखिए पूरा छिड़क देंगे काले मिर्च की पाउडर। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अभी हमने इसको ग्रिल करना है। ये देखिए टोस्ट में मैंने ग्रिल किया है इसको, इस तरह से ग्रिल कर लेते हैं। 3 मिनट में हो जाता है, 3 मिनट का स्टार्ट लगा के। ये देखिए 3 मिनट में हो जाता है। हमने बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं करना है, ऐसा टोस्ट करना है उसका, पर काला नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हमने टोस्ट किया है, अच्छे खासे क्रिस्पी हो गए हैं ये, और अच्छे भी दिख रहे हैं, टेस्ट भी लगता है। अभी बहुत गर्म होंगे इसलिए डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाथ लगाते। ये इस तरह से इसको पलट के भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कड़क हो गए, ये देखिए इस तरह से कड़क आ गए अच्छे से, और थोड़ा देर रखते तो और ब्लैक हो जाते। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हो गए तैयार हमारे ये। दोस्तों आप ज़रूर बना के देखिए। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अभी हम इसकी प्लेटिंग, इस तरह से प्लेटिंग की है इसकी। डेकोरेशन में आप कुछ भी रख सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, एकदम क्रिस्पी बने। आप इसे चाय के संग, सॉस के संग, किसी भी संग ले सकते हैं, सूप के संग ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने नहीं किया है वो, और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी सुझाव हो आपके पास तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक देखते रहिए RPG's रेसिपीज़।